हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है, आज सेकंड डे है। एज आपने देखा होगा कि मीनाक्षी आ चुकी है, मीनाक्षी इन द हाउस। तो अभी सेकंड डे है, सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे उठ चुके हैं हम, और बस अभी फटाफट से निकलने का है आज हम लोगों का। हम एक जगह जा रहे हैं, बता देता हूँ वीडियो में, हम सिन नंबर ले लेकर जा रखे हैं, क्योंकि कनाडा में जब भी आप कोई नया इमिग्रेंट आता है तो उसको सबसे पहले सिन नंबर चाहिए होता है, SIN, इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं बेसिकली उसको। तो बस हम सुबह उठ गए हैं, रवि ने बोला था मैं तुम्हें ले जा लूँगा, तो रवि के घर के वहाँ पास तक जाएंगे हम, वो बाहर ही आ जाएगा हाईवे पे। तो हम वहाँ से गाड़ी से सीधा स्क्वामिश के लिए निकल रहे हैं। स्क्वामिश में सर्विस कनाडा करके है एक जगह ऑफिस, वहाँ से सिन नंबर पिकअप करना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है क्या होता है। और अभी आज मीनाक्षी उठ गई है जल्दी सुबह, क्योंकि उसको नींद आई थी लेकिन टूट टूट के आई है नींद अभी, क्योंकि अभी सर्कल अभी यहाँ का बना नहीं है इस सर्कल का। तो अभी कॉफ़ी बनाई है मीनाक्षी ने। और मीनाक्षी, ओवर टू यू, क्या बन रहा है? कोई बात नहीं, क्या हो गया, इट्स ओके, इट्स ए लाइफस्टाइल होम व्लॉग्स, घर के व्लॉग्स है। तो अच्छा, उसका फोन आ रहा है किसी का। तो एनीवेज, अभी बन रहा है पोहा, ये देखो पोहा भिगो के रख दिया है, और ये आलू भी डाल रही है पोहे में, और ये प्याज कट गए हैं, टमाटर, और ये वीडियो कॉल घर से किसी का आ रहा होगा, और बस ये है, और बस हम कॉफ़ी पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और जो भी एक्टिविटी आज होती है आप लोगों से आज शेयर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लास्ट वीडियो में अपना प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही होम लाइफस्टाइल ब्लॉग आते रहेंगे, अब बने रहिएगा। चीयर्स, बाय बाय। चलो गाइस, रेडी हो के निकल चुके हैं अब, और मीनाक्षी भी रेडी हो गई है, अब सिन नंबर लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फटाफट बस लेते हैं, लेट हो गए थोड़ा सा, बस लेके उसके बाद फटाफट से रवि के साथ मिलते हैं, फिर निकलते हैं, पहुँचते हैं। चलो गाइज, अभी बस से अभी उतरे हैं और अभी बस रवि का वेट हो रहा है, थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे सिन नंबर लेना होता है वहाँ पे लाइन लगती है। तो अभी 9 तो यहीं बज गए हैं, 9:30-10 तक हम वहाँ पहुँचेंगे। गाड़ी दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी बढ़िया गाड़ी जा रही है, ये देखो। चलो जी, अभी थोड़ा सा कुछ खाने के लिए रुके थे, तो पोहा चल रहा है अभी, ये शक्कर वाले पोहा। कैसा बना रखा तुमने पोहा? तुम बताओगे कैसे बना रखा? अच्छा बनाया, अच्छा बनाया भाई, बढ़िया बनाया। चलो जी, अभी निकल चुके हैं सर्विस कनाडा से, और हमारे पीछे है, कैसा हो गया मीनाक्षी, 10 मिनट में हो गया? हाँ। वो मैडम बोल रही थी लकी है मीनाक्षी। बोल रही वेलकम टू कनाडा, 10 मिनट में हो गया। वैसे बोल रहे लाइन लगती है यहाँ पे, बता कुछ बोलना है तेरे को? कुछ नहीं बोलना। अभी चुपचाप हो रखी है, अभी उसका कनाडा अभी पहला दिन ही है, तो मुझे लग रहा था अभी थोड़ा सा वैसी रहेगी, चलो आ जाएगी धीरे धीरे। मेन था आप काम, आप निकलते हैं वॉलमार्ट की तरफ, थोड़ा सामान वामान लेना है घर का, राशन, उसके बाद निकलेंगे घर। चलो भाई, राशन वाशन ले लिया था, अब आए हैं थोड़ा खाने के लिए, पेट पूजा के लिए, मैकडोनल्ड्स स्क्वामिश में। इंडियन खाना अब शाम को मिल जाएगा, खा लेंगे, और आज बोला कि मैकडोनल्ड्स खाते हैं। हैं क्या? कुछ भी इंडियन इसलिए नहीं खाने गए ना कि हाँ हाँ सब कुछ ही दिखाना होता है। चलो भाई, खाना खा लिया, बैठ के खा रहे हैं, रवि का है, मेरा है, ये मीनाक्षी का है। मीनाक्षी, वेजिटेरियन बर्गर तो मिला नहीं तेरे को, क्या बना के खाया तूने? कुछ नहीं, मेरे बर्गर में दिखा दे जरा, सिर्फ वेजीज है, दिखा जरा। अच्छा, पत्ता गोभी डाली है बस, पत्ता गोभी है, तूने फ्रेंच फ्राइज डाल दी उसमें? हाँ, तो मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज डाल दी। हाँ, अपना ओन बर्गर बना दिया। हाँ, मतलब मैंने, सही है, ये भी ठीक है, नॉट बैड। ये साथ में क्या है, फ्रेंच फ्राइज है और सॉस है। चल बढ़िया, वेजिटेरियन बर्गर है तेरा, अपने आप बना दिया तूने, बेस्ट है, बेस्ट है। अभी कनाडा में अब जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा तो दिक्कत होगी होगी। हाय गाइस, तो स्क्वामिश से हम लोग आ गए थे, और अभी हम जा रहे हैं मीनाक्षी का बैंक का काम करवाने के लिए।
बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी 3:30-4 बजे की, और राशन पानी ले लिया, सारा सामान ले लिया, आप लोगों को दिखाएंगे घर पहुंच के। उसके बाद हमें हमारी यहाँ मेरी आज स्टाफ की पार्टी है, क्योंकि मेरा और रविंद्र का बर्थडे है कल 20 जुलाई को, सॉरी रवि का 13 जुलाई को निकल चुका है, मेरा 20 को है कल। तो जैसे भी होता है हम लोगों की स्टाफ की गैदरिंग पार्टी है, वो मैं आपको व्लॉग अगर शूट करूँगा तो दिखाऊँगा, नहीं कर पाया तो नहीं दिखा पाऊँगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो अगले दिन की शुरुआत हो गई है, तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि राशन वाशन लेके आए थे, और मैंने अपना इसका जो है बीसी कार्ड, वो ब्रिटिश कोलंबिया कार्ड होता है, आइडेंटिफाई कार्ड बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी कार्ड सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि आइडेंटिटी कार्ड में आपको जैसे अपना इंडिया का आधार कार्ड वगैरह होता है, तो वैसे यहाँ पे बीसी आईडी बोलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया आइडेंटिटी कार्ड। सो वो अप्लाई कर दिया है, और बैंक अभी हम ट्रेल से आ रहे हैं, सेंटर गए थे, यहाँ पे रियूज सेंटर है, वहाँ कुछ देखने के लिए गए थे। तो आज बर्थडे है मेरा 20th, यहाँ के हिसाब से, कनाडा के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से ऑलरेडी जा चुका है। तो आज शाम को हम थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाने पीने के लिए जा रहे हैं। बाकी ओवर टू मीनाक्षी, कुछ कहना चाहती हो, बताना चाहती है? ये ट्रेल मैंने आपको शायद यहाँ पे दिखाया था, तो उसी में कंटिन्यू इसको पैदल लेके जा रहा हूँ। लो मीनाक्षी, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अरे दूर से तुम पकड़ लो ना। हाँ। कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक, तेज बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं बोलना। आज हम लोग गए थे मार्केट प्लेस, वहाँ पे फिर मैंने नंबर ले लिया है यहाँ का, कनाडा का सिम ले लिया, कनाडा मोबाइल सिम, मोबाइल सिम नंबर हो गया है मेरा अब। सो और मैंने स्टार्ट भी कर लिया है, सो वो लिया, एंड देन हम लोग ऐसे ही रिव्यू सेंटर आए थे, जस्ट गौरव को मुझे दिखाना था कि कैसा है यहाँ का रिव्यू सेंटर एंड ऑल दैट। और फिर हमने सोचा क्योंकि बस 20 मिनट बात की थी, तो फिर मैंने कहा 20 मिनट खड़े रह के वेट करने से अच्छा है, गौरव तो वांट कि हम ट्रेल से ही जाएं, यू नो घर तक आधे घंटे का वॉकिंग है, तो फिर मैंने कहा 20 मिनट भी खड़ा रहना ही पड़ेगा, बेटर है वॉक कर लेते हैं, गुड फॉर हेल्थ, और वैसे भी शाम को फिर डिनर पे जाना है तो अच्छा है, कैलोरीज बर्न भी हो जाएगी थोड़ी। और बस बाकी हालत नहीं है मेरी चलने की, क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ, अभी भी मेरी थकान गई नहीं है, अभी भी वो जेट लैग और वो पूरा टाइम जोन वाली चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है मुझे, बट आई होप कि धीरे धीरे कमिंग डेज में वो भी सॉर्ट हो जाए। बस ओवरऑल यही है, आप लोग बताओ कैसा चल रहा है? तो तेरे को 2 दिन हो गए मीनाक्षी को आए हुए यहाँ पे, तो कैसा लग रहा है 2 दिन में अभी तक? ठीक है, आई नो जेट लैग है, अभी माइंड काम नहीं कर रहा, कभी सुबह उठ जा रही है, कभी खाने का मन नहीं कर रहा, अभी कुछ तो स्टार्टिंग में रहता है, बट ओवरऑल क्या कैसा लगा तेरे को एक्सपीरियंस, क्या लग रहा है मतलब दिल्ली की, दिल्ली से आई हुई लड़की यहाँ पे तेरे को कैसा फील हो रहा है? इंडिया दिल्ली की तो बात ही अलग है, हमारी कंट्री है वो मेरी कंट्री है, वहीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो वो तो जैसी भी है उसको मतलब इंडिया से दिल्ली से एक अलग लेवल का प्यार हो गई, बट अच्छा है विस्लर, बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं, शांति, द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इतनी पीस है ना, बहुत पीस है यहाँ पे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी सिटी, बहुत अच्छी लगी, लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, एंड बाकी देखते हैं धीरे धीरे मुझे और पता लगेगा अबाउट द प्लेस, अबाउट द पीपल, अबाउट माय वर्क एंड अदर स्टफ, और आगे आने वाले आगे आने वाले कई व्लॉग्स में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहली बार विस्लर एक्सप्लोर करूँगी, तो हम साथ में काफ़ी सारी जगह जाएंगे एंड आपको भी दिखाएंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एंड आई होप कि आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको और मज़ा आने वाला है हम लोगों के साथ, हम दोनों के साथ, और अब आपको वही सब फन, वही सब कंटेंट मिलेगा जैसे हम पहले बनाते थे, ठीक है? सो कीप वॉचिंग अस,
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलो गाइस, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। जैसे कि मीनाक्षी ने बताया, आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी यहाँ के विस्लर के बारे में और उसको एक्सपीरियंस कैसा लगा अभी तक का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। चलो गाइस, टेक केयर, सी या, बाय बाय।